सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। और अब बात गुरदासपुर की। गुरदासपुर से एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की दबंगई की एक वीडियो वायरल हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक के पेपर चेक करने को लेकर पुलिसकर्मी के साथ बहस हुई और वीडियो में देखा कि सिख नौजवान को पांच पुलिस वालों ने किस तरह से जमकर पीटा, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आरोप है कि पिटाई के बाद पीड़ित पर ही मामला दर्ज कर पीड़ित को जेल भेज दिया गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर पिटाई की जा रही है सिख युवक की। तो आपको बता दें कि सबसे हैरानी की बात यहां पर यह है कि पहले युवक को पीटा गया और फिर उसके बाद उसको पर ही मामला दर्ज करते हुए उसको जेल भेज दिया गया। तो बेरहमी से पीटने का आरोप पुलिसकर्मियों पर लगा है। किस तरह से मारा जा रहा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गुरदासपुर का ये पूरा मामला तो वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक के पेपर चेक करने को लेकर पुलिसकर्मी के साथ ये बहस होती है और फिर बहस इतनी बढ़ जाती है कि पांच पुलिसकर्मी भी यहां पर आकर युवक पर हावी हो जाते हैं। और किस तरह से एक युवक को पांच पुलिसकर्मियों की तरफ से बेरहमी से पीटा जा रहा है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उसके बाल यहां पर नोचे गए हैं, तो किस तरह से उसको घेरा गया वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस पूरे मामले में युवक को पीटने के बाद जेल भेज दिया गया। घुमा पुलिस का हाल एक अरे हम तो काय थे घुमा पुलिस का हाल एक संवाददाता भोपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए गुरदासपुर से ज्यादा जानकारी के लिए। भोपाल पुलिसकर्मी की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है जो कई सवाल खड़े कर रहा है पुलिसकर्मियों पर। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये गुरदासपुर के गुमान कस्बे का है। जो पुलिस युवक को पीट रही है वो गुमान थाना की बटाला पुलिस है। और आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है वहां नाका लगा रखा था और आने जाने वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसके चलते इस नौजवान को भी वहां रोका गया। और ये दो नौजवान एक मोटरसाइकिल पर सवार थे और इनसे जब कागजात पूछे गए तो इनके पास लाइसेंस भी था और मोटरसाइकिल के जो बाइक है उसकी आरसी भी थी, वो इन्होंने दिखा दी थी। लेकिन इनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था और ना ही उसकी इंश्योरेंस थी, जिसको लेकर इन पुलिसकर्मियों ने इसको कहा कि हम आपका चलान काटेंगे। तो इसने युवक ने कह दिया कि आप चलान काटना है तो काट लीजिए, मेरे पास ये कागजात नहीं है। तो इसको लेकर वहां पर जो बाकी वाहन निकल कर जा रहे थे, नौजवान ने कहा कि मेरे से चेकिंग कर रहे हो, तो जो बाकी मोटरसाइकिल पर जवान बैठकर जा रहे, तीन तीन लोग बैठकर जा रहे हैं, आप उनको रोककर क्यों नहीं चेक करते। तो इसको लेकर आपस में नौजवान के साथ पुलिसकर्मियों की बहसबाजी शुरू हो गई, जिसको लेकर पुलिसकर्मियों ने इसको पीटना शुरू कर दिया। और पीटते पीटते ये बात इतनी बढ़ गई कि लोगों ने वहां पर जो मोबाइल पर वीडियो बनाकर वायरल करना शुरू कर दिया। उल्टा आपको बताना चाहूंगा कि पुलिसकर्मियों के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि सरेआम देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मियों के द्वारा उसकी पिटाई की जा रही है, उसकी पगड़ी उतार दी है, उसके बाल बिखेरे हुए हैं और उसको पीटते हुए सड़क के ऊपर से लेकर जा रहे हैं। लेकिन उल्टा नौजवान के ऊपर ही केस दर्ज कर इसको जेल में डाल दिया गया है। जी बिल्कुल भोपाल, हैरानी की बात है कि पहले युवक की पिटाई की जाती बेरहमी से सड़क पर, उसको किस तरह से पीटा जा रहा है वो हम तस्वीरों से खुद यहाँ पर देख पा रहे हैं और फिर उसके बाद उसी पर मामला दर्ज कर उसको जेल भेज दिया गया। ये जो आरोप यहाँ पर लग रहे हैं इसको लेकर पुलिसकर्मियों की तरफ से, पुलिस प्रशासन उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी पुलिस प्रशासन जो है, जो गुमान थाने के SHO हैं ललित कुमार, उनका कहना है कि ये युवक ने पहले पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी की, फिर उनके साथ बहसबाजी की और एक पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी। लेकिन जो लोग हैं वहां पर मौजूद थे उनका कहना था कि किसी के साथ बदतमीजी नहीं की नौजवान ने, ना ही किसी के साथ बहसबाजी की है, ना ही किसी पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ी है, उल्टा पुलिसकर्मियों ने ही इसको पीटा है। लेकिन जब हमारी ललित कुमार जो SHO हैं गुमान थाना के, उनसे बात हुई तो उनको कहना था कि हमने इस नौजवान के ऊपर केस दर्ज कर लिया और
उसको गिरफ्तार कर लिया और आगे की तफ्तीश जारी है। जब हमने पूछा कि आपके वीडियो के अंदर पुलिस अधिकारी, पांच पांच पुलिस अधिकारी उसको पकड़कर पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपने पुलिस कर्मियों के ऊपर क्या कार्रवाई की है, तो उनका कहना कि इसकी अभी तफ्तीश चल रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो सिर्फ नौजवान के ऊपर ही कार्रवाई करती दिखाई दे रही है, ना कि पुलिस अधिकारियों। भोपाल जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, तस्वीरें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल इसलिए खड़ा कर रही है क्योंकि अगर यहाँ पर युवक की तरफ से बदतमीजी की भी गई तो कार्रवाई करने का एक तरीका होता है। पांच पुलिसकर्मी एक युवक को किस तरह से पीट रहे हैं अभी सड़क पर, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। हालांकि जो प्रशासन है उनकी तरफ से साफ तौर पर जो पूरा ठीकरा है वो युवक के ऊपर छोड़ दिया गया है, वो कहा गया है कि वर्दी को पाड़ा गया, बदसलूकी यहाँ पर की गई, जिसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।